नमस्कार, मेरा नाम है विनय कंबोज। आपका स्वागत है हमारे चैनल कारक्वेस्ट में। और आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करेंगे वो 2007 में लॉन्च हुई थी और पेट्रोल में होने के बावजूद उस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उसके बाद उसको 2013 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब 2019 में उसको दोबारा लॉन्च किया है। और जो ये जनरेशन उसकी लॉन्च की है वो 10th जनरेशन है। और अब इसको जो लॉन्च किया वो पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में लॉन्च किया है। और आज हम उसी गाड़ी का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इसके वेरिएंट्स के बारे में और कलर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। डीजल के अंदर जो इसके अंदर आपको वेरिएंट्स मिलेंगे वो दो आपको वेरिएंट्स मिलेंगे, VX और ZX। अगर आप कंसीडर करते हैं पेट्रोल में तो पेट्रोल में आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे, VX और ZX। पेट्रोल में आपको जो ट्रांसमिशन रहेगा वो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन रहेगा, CVT आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आप कंसीडर करते हैं डीजल में तो आपको इसके अंदर सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कलर्स की। जो गाड़ी के अंदर 5 कलर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो कलर्स हैं आपको रेड कलर मिलेगा, मेटालिक कलर मिलेगा इसके अंदर, और वाइट कलर मिलेगा, सिल्वर कलर मिलेगा, और साथ ही एक जो कलर आपको इसके अंदर मिलेगा ब्राउन कलर मिलेगा। तो ये टोटल 5 कलर चॉइसेस इसके अंदर अवेलेबल थी। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करेंगे वो एक डीजल वर्जन है और एक टॉप वेरिएंट है। हमारा रिव्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स के लिए। और वो गाड़ी है हुंडा सिविक। आइए स्टार्ट करते हैं गाड़ी की फ्रंट लुक से। अगर आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स देखेंगे, जो गाड़ी की लुक्स है वो काफ़ी प्रीमियम है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। जो फ्रंट में आप ग्रिल देखेंगे तो ग्रिल जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो क्रोम ग्रिल आपको मिलेगी और ये काफ़ी वाइड है, जो इस सेगमेंट में मैंने फर्स्ट टाइम देखी है, और ये गाड़ी के लुक्स को काफ़ी एनहांस करती है। साथ ही क्रोम के नीचे की तरफ आपको ये जो पार्ट मिलेगा ये आपको रफ ब्लैक मिलेगा जो मैच कर रहा है इस कलर के साथ, और ये लुक्स को भी इम्प्रूव करता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ हेडलैम्प्स की, जो गाड़ी के अंदर आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे वो LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। अंदर की तरफ आपको कंप्लीट LEDs मिलेंगी। साथ ही जो इंडिकेटर्स ब्लिंकर्स आपको मिलेंगे वो भी LED रहेंगे, और जो DRLs मिल रही हैं वो भी आपको LED DRLs मिल रही है। जो कंप्लीट हाउसिंग है वो LED हाउसिंग रहेगी उसके साथ। अगर मैं बात करूँ फोग लैंप्स की, जो फोग लैंप्स है, फोग लैंप्स की हाउसिंग भी आप देख रहे हैं वो काफ़ी वाइड है, और यहाँ पर भी क्रोम वर्क का यूज़ काफ़ी किया गया है। साथ ही जो इसके अंदर आपको फोग लैंप्स भी मिल रहे हैं वो भी आपको LED फोग लैंप्स मिल रहे हैं, जो रात के टाइम विजिबिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। अगर मैं बात करूँ लोअर ग्रिल की, जो लोअर ग्रिल है वो भी काफ़ी यूनिक लग रही है, और उसका जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लगता है, जो फ्रंट लुक्स को और ज़्यादा एनहांस करता है। तो ये था हुंडा सिविक का फ्रंट। अब चेक करते हैं साइड प्रोफाइल, और चेक करते हैं साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स। आइए चलते हैं साइड प्रोफाइल में। नॉर्मली साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करते हैं टायर साइज़ की, लेकिन इस गाड़ी में मेरे को एक जो यूनिक फीचर यहाँ पे मिला, जो इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं वो फेंडर पे माउंटेड है, और जो लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है, साइड लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। साथ ही अगर मैं बात करूँ टायर साइज़ की, जो टॉप वेरिएंट में आपको टायर साइज़ मिलेगा वो 17 इंचेस अलॉयज मिलेंगे, और जो टायर्स की विड्थ रहेगी वो 215 mm इसकी विड्थ रहेगी, जो काफ़ी अच्छी विड्थ है इस सेगमेंट की। अगर इससे नीचे वेरियंट्स की मैं बात करूँ तो उनके अंदर आपको जो टायर साइज़ मिलेगा वो 16 इंचेस टायर साइज़ मिलेगा। साथ ही आप यहाँ देख रहे हैं आपको जो मड फ्लैप्स मिल रहे हैं वो कंपनी फिटेड आपको मड फ्लैप्स मिलेंगे, और ये बॉडी कलर्ड मड फ्लैप्स मिलेंगे। साथ ही अगर बात करें गाड़ी के आउटर मिरर्स की, जो मिरर्स रहेंगे वो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल और फोल्डेबल रहेंगे। साथ ही इसमें एक जो फर्स्ट इन सेगमेंट आपको फीचर मिल रहा है वो आपको लेफ्ट साइड में एक कैमरा मिल रहा है, लेन असिस्ट कैमरा, जो आपको हेल्प करेगा आपकी ड्राइवेबिलिटी में। साथ ही आप जैसे देख रहे हैं विंडोज़ पर आपको क्रोम एसेंट मिलेगा, जो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की लुक्स को एनहांस करता है। जो हैंडल्स आपको मिल रहे हैं वो भी आपको क्रोम हैंडल्स मिलेंगे, और जो आपको यहाँ पे एक एक्सेस बटन मिलेगा पैसेंजर साइड एंट्री के लिए। आप जैसे आपने देखा फ्रंट में और साइड प्रोफाइल में काफ़ी यूज़ किया गया है क्रोम का, जो गाड़ी के लुक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करता है। तो ये था साइड प्रोफाइल हुंडा सिविक का। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल में और चेक करते हैं रियर लुक्स। जो रियर लुक्स है गाड़ी की वो भी काफ़ी प्रीमियम लुक्स है। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के टॉप से। टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा, और जो रियर ग्लास पे आपको डिफोगर्स इसके अंदर बिल्ट इन मिलेंगे। उसके बाद अगर बात करें गाड़ी की टेल लैंप्स की, जैसे आपको फ्रंट में LED टेल लैंप्स, LED हेडलैंप्स आपको मिले थे, जो टेल लैंप्स भी रहेंगी वो भी LED टेल लैंप्स रहेंगी, और जो इनकी शेप्ड है वो बूमरैंग शेप्ड में आपको ये मिलेंगे, जो गाड़ी की रियर लुक्स को और ज़्यादा एनहांस करता है। साथ ही आपको बम्पर्स में
पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे मिलेंगे विद पार्किंग कैमरा, और जो पार्किंग कैमरा की आपको पोजीशन मिलेगी वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग उसकी दी गई है। साथ ही अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्टर्स की, जो रिफ्लेक्टर्स आपको मिलेंगे वो बिल्कुल कॉर्नर पे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक कम्प्लीट हाउसिंग मिल रही है आपको बम्पर्स के अंदर। साथ ही आप जैसे रियर बम्पर पे आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पे भी क्रोम वर्क काफ़ी मिलेगा जो गाड़ी की लुक्स को काफ़ी इम्प्रूव करता है। अब चलते हैं बूट स्पेस में और चेक करते हैं गाड़ी का बूट स्पेस। जो गाड़ी के अंदर आपको बूट स्पेस मिलेगा 430 लीटर्स का आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिलेगा, जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा इसके अंदर रहेगा। साथ ही जो टूल किट आपको मिल रही है वो टूल किट के लिए प्रॉपर आपको यहाँ पे स्पेस दिया है, प्रॉपर आप टूल किट इसके अंदर रख सकते हैं। एक जो आपके आपको इसके अंदर मिल रहा है, जो इसके अंदर स्पेयर व्हील आपको मिल रहा है वो अलॉय मिलेगा, और 17 इंचेस स्पेयर व्हील रहेगा जो बिल्कुल सेम रहेगा आउटर 4 टायर्स के ही, बिल्कुल जो सेम मिलेगा आपको। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे और चेक करते हैं रियर सीट। जो गाड़ी की सीटिंग है, जैसे कि ये प्रीमियम सेडान गाड़ी है तो इसकी सीटिंग लोअर रहेगी। जो थाई स्पोर्ट आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा थाई स्पोर्ट आपको मिल रहा है। साथ ही जैसे आप सीट्स देख रहे हैं, आपको जो ये अपोस्ट्री मिलेगी, ये लेदर अपोस्ट्री मिलेगी, और इसकी क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। साथ ही आपको सेंटर में यहाँ पे एसी वेंट्स आपको मिलेंगे रियर पैसेंजर्स के लिए, और यहाँ पे आपको कॉट हुक मिल जाता है, ये दोनों साइड आपको मिलेगा। अगर आप कुछ इसके ऊपर हैंग करना चाहते हैं तो हैंग कर सकते हैं। साथ ही आप जैसे ये डोर ट्रिम्स पे देख रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ये लेदर मिलेगा, साथ ही इसमें स्टिचिंग भी मिलेगी जो गाड़ी को और ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। अब ड्राइवर सीट पे चलने से पहले मैं आपको गाड़ी की दिखा देता हूँ। आपको गाड़ी के अंदर इस तरह की दो कीज़ मिलेंगी, इसके ऊपर आपको 3 बटन्स मिलेंगे, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग के लिए। अगर आप इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये बूट ओपन हो जाएगा। आइए अब चलते हैं ड्राइवर सीट पे और चेक करते हैं ड्राइवर सीट। यहाँ पे आपको एक्सेस बटन मिलेगा अंदर एंट्री के लिए। तो बात करें डोर ट्रिम्स की, यहाँ पे आपको लेदर मिलेगा जैसे मैंने आपको दिखाया। यहाँ पे आपको कंट्रोल्स आ जाते हैं, ऑल 4 पावर विंडोज़ आपको मिलेंगी। यहाँ पे आपको ये बटन मिलेगा, आप पावर विंडोज़ लॉक करना चाहते हैं उसके लिए, साथ ही लॉक और अनलॉक के लिए यहाँ पे आपको बटन्स मिलेगा। यहाँ पे कंट्रोल्स आ जाएंगे मिरर्स के लिए, आप फोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एडजस्टिंग के लिए। साथ ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बटन मिलेगा बूट एक्सेस के लिए। आप चेक करते हैं गाड़ी की सीट्स। गाड़ी में जो आपको सीट्स मिलेंगी वो 8-way इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स रहेंगी, आप इलेक्ट्रिकली इनको एडजस्ट कर सकते हैं, और जो सीटिंग है वो काफ़ी अच्छी है। साथ ही आपको यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट यहाँ पे मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं ये आपको मिलेगा, जो मैंने आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो आउटर मिरर पे जो कैमरा दिखाया उसको ऑन करने के लिए आप यहाँ से इसको प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन है आपके म्यूज़िक सिस्टम की स्क्रीन है उस पर वो कम्प्लीट व्यू आपको शो करेगा। साथ ही अगर बात करें स्टेयरिंग की, जो स्टेयरिंग आपको मिलेगा वो आपको टिल्ट एडजस्टेबल मिलेगा, लेकिन इसका जो कंट्रोल्स है वो काफ़ी नीचे की तरफ आपको मिलेगा, आप इसको टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं और टेलीस्कोपिक भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपको जो राइट साइड में यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा, और लेफ्ट साइड में आपको जो कंट्रोल्स मिलेंगे आपको ऑडियो के कंट्रोल्स मिलेंगे, आप यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, कॉल कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, सामने आपको TFT स्क्रीन मिलेगी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, सामने की तरफ आपको एक RPM मीटर मिलेगा, जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो एक डिजिटल आपको नॉब मिलेगी, उसके अंदर आपको सभी फीचर्स मिलेंगे, आप गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है क्या एडजस्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा, आप यहाँ से इसको स्विच कर सकते हैं स्टेयरिंग से। आपको फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, कितना गाड़ी के अंदर फ्यूल है वो सब कुछ आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाई देगा। इधर की तरफ आपको जो कंट्रोल मिलेगा वो आपको मिलेगा आपके अंदर गाड़ी के अंदर कितना फ्यूल है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, और दूसरी तरफ आपको इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे मिल जाती है, आप यहाँ से इंजन का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर बात करें गाड़ी के सेंट्रल कंसोल की, जो सेंट्रल कंसोल है वो काफ़ी शानदार आपको यहाँ पे मिलेगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे टच स्क्रीन म्यूज़िक सिस्टम मिलेगा, साथ ही आपको यहाँ पे पैनल आ जाता है एक ऑटो एसी का, जिसके अंदर आपको कंट्रोल आपको यहाँ पे मिलेंगे, आपको फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, एसी टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, वो सभी फीचर्स मिलेंगे। साथ ही आपको यहाँ पे जो एक यहाँ पे स्पेस मिलेगा आपको मोबाइल के लिए, आप यहाँ पर अपना मोबाइल कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक जो इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ आपको मिलेगी, आपको जो प्लग्स मिल रहे हैं आपको यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, और इसके अपोजिट साइड आपको USB चार्जिंग मिलेगा, और पेन ड्राइव भी आप नीचे की तरफ आप लगा सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया ये एक डीजल वेरिएंट है, तो ये आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये मिलेगा। साथ ही यहाँ पे आपको ब्रेक होल्ड यहाँ पे मिल जाता है, पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसके अंदर आपको मिलेगी, यहाँ पे आपको इकोनॉमी मोड का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही सेंट्रल कंसोल में यहाँ पे आपको ग्लास होल्डर मिलेगा, और जो ये आर्मरेस्ट रहेगा ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट रहेगा, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे भी आपको एक स्पेस मिल रहा है, यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगा, और एक चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे मिलेगा, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट 1 एम्पियर का आपको ये चार्जिंग सॉकेट मिलेगा। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के डैशबोर्ड की, जो डैशबोर्ड आपको मिल रहा है ऑल ब्लैक आपको इसके अंदर डैशबोर्ड मिलेगा, और जो अपर पार्ट रहेगा ये लेदर फिनिश के अंदर आपको मिलेगा, जो गाड़ी को प्रीमियम टच देता है। साथ ही अगर बात करें गाड़ी की ग्लो बॉक्स की, जो ग्लो बॉक्स है उसका स्पेस भी आपको नॉर्मल मिलेगा, विद एलुमिनेशन आपको ये मिलेगा। साथ ही अगर जो एक यहाँ पे लग्जरी फील ऐड करता है वो है गाड़ी का सनरूफ, जो गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ मिलेगा वो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं ओपनिंग के लिए। जो एक प्रीमियम फील ऐड करता है गाड़ी के अंदर, ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। साथ ही आपको जो इसके अंदर IRVM मिल रहा है वो भी आपको डे टाइम IRVM मिलेगा, जैसे ही रात के टाइम आप ड्राइव करेंगे उसके अंदर ये हेल्प करेगा आपकी ड्राइवेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये था इंटीरियर होंडा सिविक का। अब चेक करते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स और इंजन स्पेसिफिकेशन। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की, जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, जैसे आपको एयरबैग्स 4 एयरबैग्स वो स्टैंडर्ड रहेंगे, वो सभी वेरियंट्स में मिलेंगे। अगर टॉप वेरियंट्स की मैं बात करूँ तो 6 एयरबैग्स आपको उसके अंदर मिलेंगे। साथ ही अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की, तो ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगी, वो भी एज अ स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे होंडा अवेलेबल करा रहा है। साथ ही ABS विद ABD ब्रेक असिस्ट, ये फीचर्स आपको मिलेंगे। एक जो मेरे को इसके अंदर फीचर मिला जो फर्स्ट इन सेगमेंट है इस गाड़ी में, वो है पॉपअप हुड। इनकेस अगर इम्पैक्ट होता है किसी पेडिस्ट्रियन के साथ, जो हुड है इसका जो अपर पार्ट है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो हमारा सामने पेडिस्ट्रियन है उसको कम से कम इंजरी हो इसके अंदर, वो इसके अंदर हेल्प करेगा। अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की, जो आपको इसके अंदर जो हम ये रिव्यू कर रहे हैं, ये एक जो इंजन है ये हमारा डीजल इंजन है। जो डीजल इंजन की स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये 1.6 लीटर आपको इसके अंदर इंजन मिलेगा, जो पावर जनरेट करता है 120 PS की, और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 26.8 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर मैं बात करूँ पेट्रोल इंजन की, जो पेट्रोल इंजन आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1.8 लीटर, और जो पावर जनरेट करेगा 141 PS की, और जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है 16.5 KMPL की माइलेज क्लेम करती है। साथ ही अगर बात करूँ मैं गाड़ी की वारंटी की, जो आपको गाड़ी के अंदर वारंटी मिलेगी वो आपको 3 ईयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलेगी। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करा सकते हैं थर्ड और फोर्थ ईयर के लिए, फोर्थ और फिफ्थ ईयर के लिए। तो ये था हमारा एक डिटेल्ड वॉक अराउंड होंडा सिविक का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू हमसे चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।